मसक अली के सफर पर स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ नफीसा खान। दोस्तों, ठंड के मौसम में कपकपी लगना काफ़ी कॉमन है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कपकपी सिर्फ ठंड की वजह से ही नहीं लगती, बल्कि इसके कई दूसरे कारण भी हो सकते हैं। जी हाँ, जब शरीर के अंदर का तापमान गिरने लगता है तब कपकपी आती है, जिससे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। जिस तरह खांसी, हिचकी, छींक बिना मर्जी के आते हैं, उसी तरह कपकपी भी आप चाहे ना चाहे आ ही जाती है। कई लोगों को यूरिन के दौरान या यूरिन करने के बाद कपकपी आती है। इस क्रिया को पोस्ट मिक्चुरिशन कन्वल्सन सिंड्रोम कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट ने पेशाब के दौरान आने वाली कपकपी को डिटेल में समझाने की कोशिश की है। और वो डिटेल क्या है, यहाँ हम आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, कपकपी सिर्फ ठंड की वजह से हो ऐसा नहीं होता। बीमारी, डर, परेशानी या उत्तेजित होने पर भी कपकपी आ सकती है। यूरिन करते वक्त कपकपी किसी को भी आ सकती है। जब छोटे बच्चों के डायपर बदले जाते हैं तो कई बार आपने अपने बच्चे को कांपते हुए देखा होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूरिन करते वक्त कपकपी आने का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को पेशाब करते वक्त कंपन महसूस हो सकता है। हालांकि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कपकपी की सीमा कितनी है। कई बार कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में ज़्यादा कपकपी का अनुभव हो सकता है। ये महिलाओं की तुलना में पुरुषों के साथ ज़्यादा होता है, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए कोई रिसर्च नहीं है। कपकपी के कई संभावित कारण हो सकते हैं। जी हाँ, शरीर के ग्रोइन एरिया यानी अंडरवियर के नीचे के हिस्से के तापमान में अचानक बदलाव होने से कुछ लोगों को यूरिन के दौरान कपकपी महसूस होती है। दरअसल, जब आप यूरिन के लिए अंडरगारमेंट्स निकालते हैं तो प्राइवेट पार्ट में हवा लगती है और कपकपी आ जाती है, क्योंकि अंडरगारमेंट प्राइवेट पार्ट को गर्म बनाए रखता है। इससे आपको ठंड लग सकती है। अचानक कपकपी आने से शरीर का तापमान अचानक से बढ़ सकता है। इसके अलावा कुछ तथ्य ये भी बताते हैं कि शरीर से गर्म यूरिन निकलने से शरीर का तापमान कम होने लगता है। तापमान को बढ़ाने के लिए शरीर में अनैच्छिक क्रिया कपकपी होती है। एक और संभावित कारण हो सकता है। दरअसल, नर्वस सिस्टम दो तरह के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और रीढ़ को कंट्रोल करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सिग्नल लाने और सिग्नल ले जाने का कारण करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बिना मर्जी से होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार यूरिनेशन में नर्वस सिस्टम काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जगाने का काम करता है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सुलाने या आराम देने का काम करता है। जब आपका ब्लैडर यूरिन से भर जाता है तो ये रीढ़ की हड्डी में नसों को एक्टिव करता है, जिसे सेक्रल नर्व कहा जाता है। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है और इससे ब्लैडर की दीवार यूरिन को शरीर से बाहर धकेलने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद जब यूरिन शरीर से बाहर निकलता है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ऐसे में सिंपैथिक नर्वस सिस्टम ब्लड प्रेशर को सही करने के लिए कैटेकोलामाइंस नामक न्यूरोट्रांसमीटर शरीर में रिलीज कर देता है। ये नर्वस सिस्टम के बीच दो मिक्स सिग्नल बनाता है और कपकपी आने लगती है। पुरुष आमतौर पर खड़े होकर यूरिन करते हैं, इसीलिए यूरिन करने के दौरान ब्लड प्रेशर ज़्यादा कम हो जाता है और ज़्यादा कैटेकोलामाइंस रिलीज होने से ज़्यादा कपकपी होती है। वैसे इस बारे में कोई भी ठोस सबूत के साथ नहीं कह सकता कि यूरिन करने के दौरान कपकपी क्यों होती है। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में जो जानकारी है वो हमने आपके साथ साझा कर दी है। यूरिन के दौरान कपकपी होने को पोस्ट मिक्चुरिशन कन्वल्शन सिंड्रोम स्थिति कहा तो गया है,
लेकिन इस पर अभी वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, इस पर अभी रिसर्च की जरूरत है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पेशाब के दौरान कपकपी होना सामान्य है और इससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पेशाब के दौरान दिखने वाले अन्य लक्षणों को भी नज़रअंदाज कर देना चाहिए। अगर आपको पेशाब करने के दौरान कोई दूसरे लक्षण नज़र आए तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। तो अभी हमने जाना कि यूरिन करते वक्त आखिर कपकपी क्यों होती है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आएगी, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मसकली को, और देखते रहें मसकली। शुक्रिया।